अस्सलामुअलैकुम। तो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? आगे हमें एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। तो सबसे पहले हम आपको सुनाएंगे सस्ती शायरी। हमेशा की तरह अर्ज किया है, हर गली में, हर शहर में, हर मुल्क में बस पबजी है। वाह 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 हर गली में, हर शहर में, हर मुल्क में पबजी पबजी है। जिस दिन मेरा दिल होता है चिकन खाने का, घर में उस दिन बनती सब्जी है। सब्जी मतलब सब्जी। हाँ, सस्ती शायरी, ख़राब शायरी, उल्टी सीधी शायरी, बकवास शायरी, घटिया शायरी विद नॉनी मस बाबा जी। तो गाइस, सबके सब सबसे पहले ठोक दो लाइक बटन। और हम जा रहे थे कराची अपने नोवो, और वहाँ पर जाना गाइस, दो स्क्वाड आने वाले हैं और हमारी ज़िंदगी हमेशा की तरह खतरे में आने वाली है। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ये जो मैं स्नाइपर यूज़ करता हूँ ना, इसका सीक्रेट क्या है। लाइक गाइस, अभी मैं आपको बता दूँ, इसमें एक ऐसा शॉट था जो मैंने पहला तो मिस किया, लेकिन दूसरा मैंने गाड़ी में जो कि तेज़ चल रही थी, USAWM का एक हेडशॉट और बंदा डाउन। वैसे तो अपनी एनोनिमस के पब्लिक को पता है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं काफ़ी बार ऐसा कर चुका हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसका सीक्रेट मैं आपको बताऊँगा गाइस। हमारी जो सेंसिटिविटी होती है ना, या जो हमारे कंट्रोल्स होते हैं, वो बेशक ख़राब हों, लेकिन अगर आपका एक बार उन पर हाथ बैठ गया, तो अगर आप बार बार उनको चेंज कर रहे हो, तो आपसे बड़ी गलती शायद कोई कर रहा होगा। क्योंकि देखो गाइस, अगर कंट्रोल ख़राब भी है ना, आपका हाथ बैठ जाए वो इंपॉर्टेंट चीज़ है। लाइक अगर आप आंखें बंद करके, आपको पता है कि आप प्रोन हो रहे हो, क्राउच कर रहे हो, वो चीज़ बेस्ट है। तो आप बार बार अपनी सेटिंग्स को मत छेड़ो, ना ही अपनी सेंसिटिविटी को छेड़ो। ऐसी बात है, आप मुझे एक बात बताओ गाइस, अगर आप 4x कंट्रोल कर रहे हो, तो फिर भी हम लोग बातों में आके या कैसे ना कैसे सेंसिटिविटी अपनी जो है वो ख़राब कर देते हैं, और फिर वापस से उस सेंसिटिविटी को मास्टर करने में हमें काफ़ी टाइम लग जाता है, और इस चक्कर में हमारा गेम ना काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो बाबा जी, ये काम नहीं किया करो। अब ये भाई खड़े थे ऑफलाइन, उनका पूरा स्क्वाड हम पे उतरा हुआ है। अब हम दो बंदे, मेरे पास कोई अच्छी गन नहीं थी। एक तो VSS है जो कि मटर के दाने मारती है, और ऊपर से दूसरी शॉट गन है, वो भी डबल बैरल है, ओ पता नहीं क्या कहते हैं उसको, बट हाँ डबल गोलियों वाली, ठाठा और फिर रीलोड। हाँ, इसका हमने नाम रख दिया ठाठा, रीलोड वाली गन है हमारे पास। और मैं यहाँ पे आके गाइस TP भी ले रहा था, मैं पीक ले खड़ा होकर आएंगे तो मारूंगा, बट वो आया नहीं। और यहाँ पे भी देखा तो आया नहीं, नॉक वाला पड़ा था। और अब हम देखेंगे कंटेनर के अंदर भाई जा रहे थे, तो ओए होए सर जी, कैंपिंग लेवल्स ओके नहीं, कैंपिंग लेवल ख़तरनाक वाला विद एनोनिमस लॉल। तो गाइस, इसके बाद हमने नोवो को क्लियर किया, फिर मज़े से की लूट और आराम सुकून से निकले नोवो से लूट करने के बाद। और गाइस, हमारे पास थी फ्लेयर, और जोन के बिल्कुल मिडल में एक स्क्वाड हाउस आ रहा था, और वो था जॉर्जपुल का स्क्वाड। तो हमने अपनी मेहरान गड्डी इस बार पचिंग की पिंडी में नहीं रोकी, अपनी मेहरान गड्डी सीधा सीधा ले गए भाई जॉर्जिया के पूल लाहौर, और बिल्कुल पास आके हो गया फ्यूल ख़त्म। मैंने टीममेट्स को बोला भाई आप भागो, चलाओ फ्लेयर, हम फ्यूल डाल के गाड़ी जब स्क्वाड्स में लगाएंगे। और गैस, मैं आपको दिखाता हूँ कि स्क्वाड्स में गाड़ी मैं कैसे लगाता हूँ। पहले तो ऐसे आगे ले जाओ, और फिर लाइक बैक पे लाके ना बिल्कुल दीवार के साथ इक्वल कर दो ये चीज़ ऐसे, फिर आप सीधा सीधा। अब देखो गैस, मेरी फर्स्ट ट्राई और मैं ऊपर गाड़ी लगा दी, तो समटाइम मुश्किल हो जाता है आप लोगों के लिए गाड़ी लगाना, बट ये सबसे ईजी वे है। तो पहले पीछे टिकाओ गाड़ी को बिल्कुल दीवार के साथ, और फिर ऊपर की तरफ ले जाओ। हमने फ्लेट लाई थी गैस, यहाँ पर आ जाते हैं स्क्वाड, एक नहीं दो नहीं तीन भाई, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ जैसे खिचड़ी बन जाती है ना, वो सीन हो गया था। अब एक स्क्वाड के सामने रुका, एक कान के नीचे लगाया, इनको किया नॉक, अब इनका टीममेट इनको देगा रिवाइव। लेकिन बाबा जी, इतनी देर में एक गाड़ी नीचे आ गई, और ये जो नीचे आए थे ये थे हमारे पाकिस्तानी भाई लोगों, मैं फौरन से गाड़ी ब्लास्ट कर दी। उसके बाद मेरे टीममेट ले रहे थे नीचे वालों से फाइट, और मैं दे रहा था स्नाइपर से दूर वालों से फाइट, क्योंकि मुझे थोड़े से किल निकालने थे। और गैस, मज़े की बात, दरवाज़ा कर दो बंद, और यहाँ आके आप बैठ जाओ, फिर यहाँ आपको नेट नहीं पड़ेगा। अगर दरवाज़ा खुला है फिर नेट आ सकता है, बट अगर दरवाज़ा बंद है तो आपको नेट डैमेज नहीं करेगा। यहाँ पे बैठ जाओ, डैमेज होगा बट आप मरोगे नहीं, वरना स्क्वाड में हर जगह नेट आ जाते हैं। तो पहले हमने यहाँ पे उतर के थोड़ा सा वेट किया, फिर मैंने कहा चार बंदे हैं गाड़ी लगी हुई, अगर नॉक भी होगा तो रिवाइव मिल जाएगा। उमर ने कार 100 से मारा था जिसको हमने पहले नॉक किया था, फिर हमने ऑम निकाल ली हमने अपनी, और ये भैया भाग रहे हैं पीछे की तरफ, और ये बस मूव करके अच्छा भाग रहे थे, तो मतलब मैं हेडशॉट नहीं मार पा रहा था इनको। और फिर इनके पीछे जाती है गाइस गाड़ी, अब ये गाड़ी वाले जाएंगे नहीं, दोबारा आएंगे यहाँ पे, वो नेट मुँह के आगे से गुजरा। उई कैसे भागा गाइस, उसको उसके पिछवाड़े को पता है कि गोली आ रही है, उसका पिछवाड़ा ना थोड़ा सा डिंगा हो गया, टेढ़ा हो गया, फिर बच गया। और यहाँ से मैं बस डर ही गया था, मैंने कहा अगर नीचे गिर गया ना मेरा क्रेट बन जाएगा, रहने दो, इतना मजाक नहीं करते। और फिर आराम से बैठा था यहाँ पे, अपनी ओम मैंने फिर से निकाली, उसी तरफ निकालेंगे स्नाइपर टावर में, जहाँ पे दो स्क्वाड आ चुके हैं, एक और स्क्वाड आ चुके हैं वहाँ पे।
और हमें एक भाई का हेड नज़र आएगा, लेकिन वो फौरन से साइड पे हो गए। इनके पिछवाड़े को पता चल गया था गोली आ रही है, इनके पिछवाड़े ने इनका साइड पे कर दिया। लेकिन हमें यहाँ पे मौका मिला और हमने अपने भाई को डाउन किया, जो कि हमारे पाकिस्तानी भाई हैं। उनको नॉक करने के बाद हम खिचड़ी का और ज़्यादा वेट करेंगे, एक और स्क्वाड गाइस वहीं पर आ जाएगा। फ्लेयर यहाँ चली थी, बंदे वहाँ रुक रहे थे। मतलब वो देखो एक और स्क्वाड आ गया, ये अलग है, सही खिचड़ी बनी हुई। और यहाँ हम मज़े से किल स्टील करेंगे बाबा जी, क्योंकि यहाँ मज़े से किल स्टील करेंगे बाबा जी, क्योंकि लूट का नो मजाक। और यहाँ पे मेरी आवाज़ थोड़ी सी शायद से खिचड़ी कर गई, मैं देखूँगा क्या गड़बड़ हुई थी, वॉइस ओवर में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया यहाँ पे शायद से। तो गाइस उसके बाद बस यहाँ पे मैं बॉडी डैमेज दिए जा रहा था और फिर ये नज़र आया भाई, तो मैंने एक को यहाँ पे फिनिश किया और इतनी देर में रीलोड लग गई, जो कि फिर हमें काफ़ी ख़राब लगा। और अभी भी नीचे बंदे मौजूद हैं स्टिल, और हम मज़े से बंदे मारे जा रहे हैं ऊपर। ये एक और नॉक किया और ये खड़े हमारे भाई, इनको मारा, ये एक स्क्वाड तो हो गया ऑल डेड। और हमें मिल गए 2 से 3 किल। और उसके बाद अब नीचे वाले स्क्वाड की तरफ गाइस मैंने फोकस किया। एक नेड मैंने यहाँ पे फेंक दी, क्योंकि देखो फुटप्रिंट आ रहा था स्मोक के अंदर, तुक्का कैसा खतरनाक लगा। और यहाँ पे मुझे मिला नॉक, ये किल मुझे नहीं मिलता क्योंकि अचानक से भाई आ गए थे, और फिर ये दोनों किल मेरा टीममेट ले जाता। उसके बाद गाइस हम करेंगे लूट, क्योंकि लूट का नो मजाक, ये अनोनिमस आपके अनोनिमस का कानून है कि लूट का कोई मजाक नहीं है। आपका टीममेट जितना भी प्यारा हो, बेशक आपका वो लाइफ पार्टनर हो, कुछ भी हो, जित भाई हो, दोस्त हो, कुछ भी हो, उनसे लूट का मजाक तो करना ही नहीं है बाबा जी। लूट का नो मजाक, सीधी सी बात है, आप चुम्मी मांगोगे चुम्मी मिलेगी, जान मांगोगे जान मिलेगी, लेकिन पबजी में लूट ना, लूट का नो मजाक बाबा जी। फिर गए जब वहाँ पे बंदे थे, तो मैं वहाँ पे मतलब रिस्क नहीं लिया कि उनके सामने से जाऊँ, मैं जोन में जाना था और जोन सिर्फ 15 सेकंड में आ रहा था, तो मैं नहीं चाह रहा था कि यहाँ पे रोक के फाइट लूँ। तो मैंने गाड़ी घुमाई और ले गया बैक साइड पे, शायद से मर चुके हैं यहाँ पे, क्या सीन है। लेकिन एक बंदा बाद में आएगा वो गाड़ी लेके, तो वो मुझे नज़र आता है, फिर वो वाला सीन अभी आप देखोगे। मैंने गाड़ी रिच पे रोक दी नीचे, और बुरी बात ये थी कि मैंने गौर नहीं किया गाड़ी यहाँ पे जोन नहीं था। तो उसके बाद गाइस मैं करने लगा वेट, ऐसे बस बंदे स्पॉट करने का ट्राई कर रहा था। ऊपर घरों में बंदे होते हैं, और मेरे टीममेट्स इनसे फाइट लेने लग जाते हैं, मैं फिर से अलग फाइट ले रहा होता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे गाइस देखो मैं पीछे मुड़ा, मुझे वो बंदा भागता हुआ नज़र आएगा, वहाँ से भागता हुआ आ रहा है। ये मैं मारा बट ये इसको मिस हो गया, पता नहीं कैसे, बट मुझे पता है ये आएगा ज़रूर। अब यहाँ पे मुझे स्पॉट नहीं हो रहा था, तो मैंने फोकस किया अपने टीममेट की तरफ, जहाँ हमारा एक बंदा नॉक भी हो चुका था, दूसरी की हेल्थ कम थी, बट यहाँ पे हो जाते हैं ऑल डेड, तो मुझे जाने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। और मैं फौरन से फोकस करूँगा वापस इस पर। गाइस अगर ये हेडशॉट लगाना, आपको ये वीडियो शेयर करनी है बस, ला 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 ला। गाइस देखो जब आपको पता होता है ना कि मेरा स्कोप का एडीएस क्या है, मेरे स्कोप की सेटिंग क्या था, आपके लिए हेडशॉट लेना इजी हो जाता है। मैंने वही काम किया, देखो गाइस अगर गाड़ी चल के आ रही ना, बिल्कुल गाड़ी पे मत मारो, आपकी बुलेट को जाने में टाइम लगेगा, गाड़ी गुजर रही होगी तो आपकी बुलेट पीछे चली जाएगी, थोड़ा सा आगे फेंक दो बुलेट को और बंदा नॉक हो जाएगा। फिर गाइस मैंने बॉडी शॉट मारा, और अब आपको वीडियो शेयर करना पड़ेगा गाइस, लाजमी शेयर करना, हम लोग बहुत करीब हैं 7 लाख फैमिली की, और इंशाल्लाह ईद से पहले पहले आप लोग मुझे तोहफा दोगे, ईद ही दोगे 7 लाख सब्सक्राइबर्स का। फिर गाइस बॉडी शॉट मारा, लेकिन मुझे पता था वो बंदा जोन में नहीं है, तो उसको सामने आना ही आना है। और ड्रॉप के पास से गुजरते हुए बार बार उसी साइड पे देख रहा था कि कहीं से मुझे नज़र आ जाए और मैं उसका क्रेट बना दूं बाबा जी, बट ऐसा हो नहीं रहा था। कोई बात नहीं, कब तक देखेंगे, जो होगा अच्छे के लिए, नाड़क अच्छे के लिए, हम टेंशन ज़रा नहीं लेते। ओम हमारे पास अपनी पहली मोहब्बत ओम है, उनको लेके भागी जा रहे हैं जोन में, भागी जा रहे हैं बस। और फिर अचानक से हमें हमारे भाई नज़र आएंगे, नमूदार होंगे पहाड़ के पास से। और यहाँ पे हेड ट्राई किया बट बॉडी लगा, बट भाई फिर भी नॉक हो गया। दोबारा मैंने मारा बट मेरे टीममेट ने किल सिक्योर कर दिया, और आगे की तरफ जो है वो इनके अलग फाइट हो गई, इन्होंने वहाँ पे भी बंदे मार दिए, शायद एक था पता नहीं, दो थे सांप थे, इन्होंने मार दिए, मुझे उसका किल नहीं मिला। और अभी तो गाइस दो मिलेंगे आपको महान लेजेंड, जो ऐसी कैंपिंग कर रहे होंगे 69 ये मैं क्यों लव्स बोलता हूँ बार, सॉरी कैंपिंग लेवल 999 हाँ ये बोल देंगे। तो गाइस वहाँ पे मेरे टीममेट ने कोई बंदा देखा होगा, इन्होंने मार्क किया मेरे लिए क्योंकि मेरे पास ऑम थी, और फिर मुझे नज़र आया कि हाँ उसके पीछे है बंदा, ये भाग के लेटा होगा। बट अब ये बेचारा शायद से जोन में आना था, उसने अपना हेड निकाला, कान के नीचे लगाया, भाई को वापस भेजा लॉबी, और हम भाग रहे थे जोन की तरफ। और घर में सामने बंदे हो सकते थे, तो हम लोग राइट से जोन में आ गए। अब गाइस ऊपर हुई थी फाइट डीपी से, मैं लाइक वीडियो शॉट कर रहा हूँ बिला वजह, भागते 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 देख के आप बोर हो जाओगे। यहाँ पे मैंने एक बंदा किया गाइस डाउन, अब इनका एक और बंदा यहीं पे कहीं पे होना चाहिए था, दूसरा भी नज़र आया जो कि दरख्त के पीछे आ चुका है। फिर मैं अपनी पहली मोहब्बत ओम निकाली, उसके पास हमारी गर्लफ्रेंड थी कार 98,
कान के नीचे लगाया बट उसके कान के पास से गुजर गई। असली असली में कोई नहीं है भाई, भाई मैं ये उसको बोल के खुश हो जाता हूँ बस। ये सबकी गर्लफ्रेंड है, आपकी कान एंटेड आपकी गर्लफ्रेंड, हमारी कान एंटेड हमारी गर्लफ्रेंड, हमारी हम हमारी पहली मोहब्बत आपकी हम आपकी पहली मोहब्बत, कुछ ऐसे कैसे दोनों मर गए थे ये। और फिर अब दो बंदे बचे थे और हम लोग पूरा जोन घूम चुके थे, क्योंकि देखो लेफ्ट से अभी मैं देख रहा हूँ, राइट से हम लोग जोन में आए थे, मिडल एकदम साफ था नज़र आ रहा था, तो बंदे हो सकते थे घर में। अब मेरे टीमर्स ने बंदे ढूंढे घर में लेकिन इनको मिले नहीं। और फिर मुझे आइडिया था, मैंने कहा नहीं अगर यहाँ नहीं है तो घरों में ही होंगे, कहीं छुप के बैठे होंगे, कैंप कर रहे होंगे, आप लोग ढूंढो। तो उसके बाद मेरे टीममेट भी ढूंढ रहे होते हैं, मैं भी ढूंढ रहा होता हूँ, उसके बाद बस एक एनिमी से गलती से गोली चल जाएगी और वो उनकी पोजीशन जो है हमें स्पॉट हो जाएंगे। ये जो गाइस लेफ्ट पे वो बना हुआ ना शैक सा छोटा सा, इसके अंदर बैठे हैं दोनों के दोनों कैंपिंग करके, कैंपिंग लेवल 9999999। और फिर हम छत पे भागे और गोली चला दी थी गलती से एनिमी ने, और फिर मैं स्पॉट करने के लिए नीचे गिरा और फिर बस बेइज्जती हो गई थोड़ी सी। अभी शायद चलाई गोली या नहीं आई डोंट नो, बट चलाएगा, ये चलाएगा इस यहाँ पे उसने गलती कर दी थी। और फिर मैं वापस से घुमाऊंगा, मैंने को बोला कि भाई नहीं मैं थोड़ा ट्राई करता हूँ फ़नी तरीके से मारूं, तो आप लोग नहीं मारना है ये, फिर वेट कर रहे थे मेरा। मैं गया छत पे और यहाँ से जंप करूँगा छोटी वाली शैक पे, तो यहाँ हमें हमारे भाई साहब नज़र आएंगे शायद से, ये आपको थंबनेल भी देखने को मिले। और वो बैठे हैं, वाह जी वाह जी वाह, कैंप एक इधर मुंह करके बैठा है, एक उधर मुंह बैठ करके बैठा है गाइस। और फिर मैं नीचे गिर गया, मैंने ऐसे नेट थ्रो कर दिया और नेट से फट गए दोनों, और हमें मिला चिकन विनर डिनर डिनर। उसके बाद गाइस हम आ गए थे टीडीएम में, और टीडीएम में हमने यहाँ पे चला रहा था मैं एकेएम और उजी, और ये था पिछवाड़ा घिसते किल, इसका था इसको हम कहेंगे पिछवाड़ा घिस किल, और इसका होगा इसको हम कहेंगे पिछवाड़ा उछाल किल। बेचारे को तो समझ नहीं लगी हुआ क्या, दो बंदे डाउन किए यहाँ पे, हमारी चल रही थी गाइस 2 की लीड, और एशिया में मेरी बड़ी अच्छी पिंग आ रही थी, मैं दोबारा वही चीज़ ट्राई की बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, हमारे भाई पीछे भाग चुके हैं। फिर हम भागे साइड में और यहाँ पे फिर हम जंप करके मारेंगे इनको, और ये था पिछवाड़ा उछाल किल। और फिर पिछवाड़ा घिसा हमने अपना बम, और फिर बम लिटाल किल या बम पता नहीं क्या, अच्छा लेटने का क्या नाम होना चाहिए मुझे कमेंट करके बताओ गाइस, मतलब बम उछाल बम घिसाल, और लेट के जब हम मार रहे हैं तो फिर क्या होगा। और इसका गाइस ये बंदा नज़र आया, इसका साउंड आया, तो हमने वहाँ से जो है ना एम पहले से करके रखा। नहीं मतलब क्या भाई, ये किस टाइम आया पीछे, बेइज्जती सी हो गई, पता भी नहीं चला ही पीछे आके मार के चला गया। नहीं मतलब क्या। फिर क्या हमने नेट निकाला, 6 की लीड चल रही थी और ये नेट जो फटा लेकिन कुछ हुआ नहीं। फिर पीछे से भाई आया, इनको हमने डाउन किया पिछवाड़ा उछाल विद उजी किल से, और फिर हम उजी लेके आगे की तरफ जा रहे हैं, अपना पिछवाड़ा घिसा हमने, आगे बंदा आ गया कॉन्टेंटेड लेके, फिर से किया डाउन, उजी करेंगे रीलोड, अच्छी लीड चल रही है हमारी। और हमने यहाँ पे किया दूसरे भाई को डाउन, 10 किल हमारे हो चुके हैं और हमारी लीड भी अच्छी जा रही है, 7 की लीड जा रही है हमारी। और फिर हमने बम निकाला, हमने कोशिश की कि बम फेंकेंगे एनिमी के पिछवाड़े में, और एनिमी के पिछवाड़े में बिल्कुल जाके बम फटता है बूम, और एनिमी का पिछवाड़ा बोलते हैं एनिमी डाउन। ओके तो फिर हम उजी लेके फिर से आगे जा रहे हैं, और ये भाई साहब आए, इनको हमने पीक देके डाउन किया, और हमारे 13 किल हो चुके हैं, 30 किल टीम के हो चुके हैं, 18 किल उनके हो चुके हैं। मुझे सब कुछ नज़र आ रहा है माँ, मैं अभी थोड़ा थोड़ा उस तरह का बोल रहा था। अच्छा इस ये मेरा मुझे कुछ मुझे सब कुछ नज़र आ रहा है माँ, इसको बोलने से पहले जब मैंने बोला 13 हमारे हो चुके हैं, मतलब उससे आपको कुछ आइडिया हुआ था कि लाइक ये थोड़ी थोड़ी आवाज़ इसमें मिल रही है, मुझे सब कुछ नज़र आ रहा है माँ, कमेंट करके बताना गाइस। ओके अब आप लोग शायद से बात ही ना समझें, बट हाँ वो है ना जादू फिल्म, उसमें वो बोलता है ऋतिक रोशन कि मुझे सब कुछ नज़र आ रहा है माँ, तो मैं कुछ ऐसा बोला था कि मेरे 13 किल एनिमी के 30 किल लाइक हमारे 30 किल ऐसे कुछ मैंने बोल दिया था, तो वो अगर आपको उसमें थोड़ा थोड़ा उसी टाइम आप पहचान गए थे तो आप रियल मीम लवर हो। तो गाइस हमें मिले यहाँ पे चिकन विनर डिनर विक्टोरी, तो हमने थोड़ा सा डांस करके सारा ने चुम्मी दी हमें गीली गीली। और अब गाइस मैं करने वाला हूँ यहाँ पे ओनली कॉन्टेंटेड चैलेंज, और लॉबी बहुत टाइट आ गई थी। और यहाँ पे गाइस एक जो हमने 6 स्ट्रीक मारी वो मेरी फेवरेट है, क्या तो मज़े की शटरीक थी वो कॉन्टेंटेड ओनली, और आप देख के ना आपका दिल गार्डन गार्डन ना हुआ ना, तो पैसे वापस बाबा जी, हमने निकाल लिया अपनी कॉन्टेंटेड अपने नीले कपड़ों में, नीली कॉन्टेंटेड उठा के कलेजी कलेजी पिछवाड़ा ज़मीन पे घिसते हुए आगे बढ़ रहे हैं हम। लॉल ये तो मैंने कुछ नेक्स्ट ही लेवल बोल दिया, ओके कोई बात नहीं जाने दो, सॉरी। फिर गैस हम आगे जा रहे थे, कॉन्टेंटेड हाथ में थी और रेड डॉट लगा हुआ था कॉन्टेंटेड, भाई साहब नज़र आए बट हमारे हमने कुछ किया नहीं, डाउन नहीं किया इनको। और फिर आगे जाके थोड़ा सा ये भाई साहब ऊपर है, एक जंप की कुछ नहीं हुआ, कॉन्टेंटेड चेंज की, ओ भाई रुक जा, ओ भाई रुक जा, ओ
ये गया, ये गया, ये ओ गैस था तो मज़े का है ना। ठोक दो लाइक बटन, अगर ठोका हुआ तो कमेंट में चुम्मी दे दो, अगर वो भी दे रखी है तो फिर बिना कुछ बोले बस चुम्मी दे दो। अगर अच्छा लगा हमारा जंप वाला कॉन्सेंट्रेट जंप वाला बम जंप वाला, वो हेल्थ कम हो गई, ये मैंने लेट के मारा बच गया। भाई रुक जा भाई, तेरी मेहरबानी भाई, सब्र थोड़ा सा भाई, फिर मैं सो भाई रुक जा थोड़ा प्लीज़ भाई। अल्लाह करे तेन मच्छी घणी खा के जलाब लग गई। ये फिल्म का डायलॉग है, मतलब वो कहते हैं कि तुझे ना मच्छी का मतलब मच्छी घणी मुझे नहीं पता बट हाँ मछली समझ आता है, और वो खा के जलाब लगे, लाइक उस लैंग्वेज में जलाब कहते हैं मोशन को, लॉल। तो वो कहते बदवा देता है कि अल्लाह करे तेन मच्छी घणी खा के जलाब लगे। कान के नीचे लगाया भाई को कि ये दोबारा से नॉक, और फिर हमारे 4 किलो चुके हैं, ये हमारे 5 किलो चुके हैं, ये हमारे 6 किलो चुके हैं। ओह बच गया, ये हमारे 7 किलो चुके हैं, ये हमारे 8 किलो चुके हैं। आइए सर जी आइए, ये हमारे 9 किलो चुके हैं, ये हमारे 10 किलो चुके हैं। मिस हो गया, ये हमारे 11 किलो चुके हैं, ये ओके नहीं हुए, बेइज्जती हो गई, ये ओ बेइज्जती हो गई। आपने बोल दिया था ना 13 किलो 12 किलो चुके हैं, लेकिन हो गई बेइज्जती, मेरी भी बेइज्जती आपकी भी बेइज्जती, ला 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 ला। और ये लगा कान के नीचे गाइस, तार नहीं थी दम चला रहे मज़े से, और ये लगा ओके ये मरना चाहिए था, बच गए थोड़ी सी हल्की फुल्की करें। अरे भाई हमारे आ रहे रुक जा भाई, ये गया, वाह 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 वाह, ये गया, वाह 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 वाह। 30 किलो चिकन गाइस हमारे 14 किलो, ओ भाई ये मुझे लगा ये भी गया, ओके रुक जा भाई मेरे, प्लीज़ भाग रहा हूँ मैं, प्लीज रुक जा, ओके बच गया, ये गया, वाह 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 वाह। 7 बंदे बचे हैं गाइस, ओके क्या तो निकला अचानक से, पता भी नहीं था यहाँ खड़ा है, एकदम से डरा दिया इसने तो, आपको भी डरा दी ना, अगर आप गौर से देख रहे थे ना आप भी एकदम चौंक गए होंगे, चौंक गए होंगे, चौंक। ये गया ओके गया, हाँ शायद से गया, ओके नाइस, ओके गए 16 किलो चुके हैं, और ये मारा लेकिन ये मरा नहीं, यहाँ ट्राई किया ये भी नहीं मरा, ये बड़ा तेज है, ये M4 से हमारे आगे जाके बंदे मार रहा है, यहाँ मैंने एम किया बट नहीं मरा। बेस्ट सी हो गई और हमें मिली विक्टोरी 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 पब्लिक। तो गाइज़ वीडियो कैसी लगी लाइक सब्सक्राइब शेयर करके कमेंट्स में ज़रूर बताना, मेरी कोई बात बुरी लगे तो माफ़ कर देना, अच्छी लगे तो ऐसे प्यार दिखाना और सपोर्ट करते रहना पब्लिक, और प्लीज़ इंस्टाग्राम पे जाकर फॉलो कर देना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। बाकी गाइज़ रमज़ान है, दुआओं में याद रखना और खुश रहना, बस इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, लव यू एनिमस की पब्लिक, अल्लाह हाफिज़।